सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। भाई देखो आकांक्षा, ये जो सर्दियों की खुनक है इसकी गर्मजोशी से बिल्कुल भरी हुई, और जो मूंगफली की चटर पटर होती है ना उसकी करकराहट से जो कुरकुरी कुरकुरी मूंगफलियां होती हैं उनकी जैसी कुरकुरी, और चाय की चुस्कियों सी गर्मा गर्म कुछ बातों के साथ अपनी सभी सखियों के साथ और सभी सुनने वालों के साथ हम लोग हैं इस समय। बिल्कुल हाजिर है राजुल जी, क्या बात है, मतलब क्या मूड है इस समय आपका? तो समझ में आ गया होगा भाई, मूड तो वही है ना। अच्छा, जब आपने मूंगफलियों की बात की ना, वो कुरकुरी करारी सी, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम अपने घर जाया करते थे और बाहर ठेले पे वो मूंगफली, हम उसे दाना कहते थे, जो भूजते हैं वो भुजा हुआ दाना जब लेकर आते थे, और वो गाड़ी वाला दूर से चिल्लाते हुए आता था, और बस उसकी चिल्लाहट सुन के सारे घर के बच्चे नीचे उसके ठेले के पास पहुंच जाते थे। उसके पास करारी जैसा आपने बताया, एकदम चटक वाली मूंगफलियां होती थी, भुने हुए मटर होते थे, दाने होते थे, और पता नहीं क्या क्या होता था भाई। यही तो बात है ना कि वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा तो बचपन के साथ कई बार लगता कि चली गई है, मतलब ठेले शायद अभी भी होते होंगे लेकिन अब शायद उतनी जिज्ञासा उतनी उत्सुकता नहीं होती होगी। और उन भुजे हुए दानों के साथ जो एक चटपटी सी चटनी मिलती थी, नमक, नमक डाल के स्वाद भरा, मिर्ची वाली, उसका स्वाद आज भी वो कहीं ना कहीं बरकरार है, मतलब मन में। तो कुछ ऐसे ही चटकदार स्वाद भरा आज का कार्यक्रम भी होने वाला है। बिल्कुल, तो बता देते हैं अपनी सखियों को कि आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में बहुत मशहूर कहानीकार उपन्यासकार आदरणीय पद्मश्री मालती जोशी जी के बारे में। बिल्कुल। और क्या बात करने वाले हैं? और हम बात करेंगे कुछ संगीत की। इतना बड़ा देश है हमारा भारत, सांस्कृतिक विविधता लिए हुए, तो हर प्रांत का एक जो संगीत है ना उसमें एक अलग ही खूबसूरती है। तो आज हम बात करेंगे खासकर पश्चिम बंगाल का जो संगीत है जिसे बाउल संगीत कहा जाता है या बाउल गान कहा जाता है, उसके बारे में। बाउल गान की बहुत विशेषताएं हैं, और बाउल गान जो सुनने में मीठा जितना लगता है उतना ही ज्यादा अंदर आत्मा को छूने वाला होता है। बिल्कुल, एकदम दिल तक, दिल में उतर जाता है अगर ध्यान से उसे सुना जाए तो। भाई दिल की बात कर रही हो ना, तो दिल को जब बात कोई लग जाती है तो बड़ी कस के झगड़ा होता है। झगड़ा तो होता है लेकिन झगड़ा निपटाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं भाई, सुलह कर ली जाए। तो झगड़ा कैसे निपटाया जाए और झगड़े के बाद सुलह के क्या नियम हैं, ये बातें आज हम करेंगे। क्या बात कर रही है, सुलह के भी कोई नियम है? हाँ, सुलह के भी कुछ नियम होते हैं भाई। आनन फानन आप सुलह करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जरा नियमों पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात का बतंगड़ बन जाए, करने कुछ जाए और हो कुछ जाए। हाँ, वही जिसे कहते हैं ना सिर मुंडाते ही होले पड़े, तो भाई वो वाली कहावत ना हो जाए। वैसे आज हम याद करेंगे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, तो आज हम उन्हें स्मरण करेंगे। लेकिन इन स्मृतियों के साथ एक जो सुंदर भारत की परिकल्पना उन्होंने तैयार की थी जी, हमारे संविधान के रूप में जी, और उससे जो भारत सशक्त हुआ उसका तो कहना ही क्या। बिल्कुल। राजुल जी, आज हम याद कर रहे हैं भारत देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिनके विलक्षण व्यक्तित्व में ना एक चिंतक, विचारक और मनीषी के दर्शन होते हैं, और तो साथ ही उन्हें एक वैज्ञानिक, समाजसेवी, योद्धा और नायक के रूप में भी याद किया जाता है। वो अनन्य कोटि के नेता के रूप में भारतीय जनमानस में बसे हैं, और बिल्कुल ये एकदम नेचुरल बात है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में अर्पित कर दिया था। बिल्कुल, 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे बाबा साहब के अंदर स्मरण शक्ति की प्रखरता, साथ ही साथ बुद्धिमत्ता, नियमितता और दृढ़ता बचपन से ही थी, और शुरू से ही वो बागवानी करने और किताबें पढ़ने के बेहद शौकीन थे। उनके पास उस जमाने में भी किताबों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। पढ़ने में बहुत होशियार बाबा साहब की सीखने की क्षमता का तो क्या कहना बहुत ज्यादा थी। स्कॉलरशिप लेकर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन किया, और इसके साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने पढ़ाई की,
और ये अचरज में डालने वाली बात है, लेकिन क्या कहना, 4 साल में उन्हें 2 डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त हुई। और दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की इतनी तारीफ की जाती है, वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से ही संभव हुआ। 2 साल 11 महीने और 17 दिन में उन्होंने भारतीय संविधान तैयार किया, जिसमें हर किसी को बराबरी से पढ़ने, बढ़ने और फलने फूलने का न्यायपूर्ण हक मिला। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुण्य स्मृति को कोटि कोटि नमन। मुट्ठी में आकाश भर आता है जब भी हम विचारों की इस खुले हुए जो वातावरण में विचरण करते हैं। बिल्कुल। और अब चलिए थोड़ा साहित्य जगत का विचरण कर लिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं पद्मश्री मालती जोशी जी की, जो हिंदी साहित्य की सुविख्यात रचनाकार हैं। उन्होंने कहानियों और उपन्यासों के जरिए पाठकों के हृदय में बहुत खास स्थान बनाया है। बिल्कुल। और उनका शुमार भारतीय परिवार की सबसे पसंदीदा लेखिकाओं में होता है। और यूँ देखें ना राजुल जी, तो उनकी हर कहानी हर आयु वर्ग को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं ना कहीं बांध लेती है, अच्छी लगती है और दिल तक उतर जाती है। और इसका कारण ये है कि उन कहानियों में आसपास के परिवार, उनके सदस्य और उनका परिवेश जो है, वो एक तरह से वो उनकी लेखनी इतनी सशक्त है कि वो एक जीवंत कर देती हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है कि हिंदी में लिखती हैं, लेकिन जन्मी वो महाराष्ट्रियन परिवार में, और यानी उनकी जो घर में बोली जाने वाली भाषा थी वो मराठी थी जी। उनका जन्म हुआ था 4 जून 1934 को, जो कि पहले हैदराबाद कहलाता था, अब औरंगाबाद कहलाता है वो। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो ज़्यादातर हिंदी में ही हुई। वो स्वयं बताती हैं कि उनके पिता पुरानी ग्वालियर रियासत के मैजिस्ट्रेट थे, तो छोटे छोटे कस्बों में भी स्थानांतरण होता रहता था जी। और जैसा कि होता ना कि स्थानांतरण की वजह से बच्चों की पढ़ाई कई बार बहुत प्रभावित होती है, तो उनकी भी हुई, इसलिए एक रूपता नहीं रह पाई पढ़ाई में जी। तो 4th तक घर में पढ़कर फिर 7th कक्षा तक उन्होंने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद 8th उन्होंने प्राइवेट रूप से पास की। 10th स्कूल से पास कर इंटर फिर प्राइवेट से किया, और फिर बीए और एमए कॉलेज से किया। और वैसे तो उन्होंने जो उनका छात्र जीवन था उसी समय उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनके लिखे गीत कवि सम्मेलनों में इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग उन्हें मालवा की मीरा कहने लगे थे। बाद में गीतों की ये जो धारा थी ये मुड़ गई, क्योंकि गीत हो या कहानियां हो, साहित्य का कोई भी क्षेत्र हो जी, उसके लिए जो भावों की एक होती है ना उपजाऊ उर्वरा भूमि, वो तो उनके हृदय में थी। और उसमें जो गीतों की फसल लहला रही थी वो फसल खूब फली फूली, और उसके बाद वो धीरे से मुड़कर कहानियों की तरफ चली गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने रेडियो के लिए झलकियाँ लिखी, व्यंग्य वार्ताएँ लिखी, इसके अलावा उन्होंने बाल कहानियाँ भी लिखी, और इसके अलावा छुटपुट कहानियाँ लिखी, लेख कई सारे उन्होंने लिखे। अब इसी बीच उनकी पहचान जो थी वो कहानीकार के रूप में बन गई। कई कहानियों के रेडियो नाट्य रूपांतरण हुए, और टेलीविजन पर भी उनकी कहानियों के जो रूपांतरण हुए थे, नाट्य रूपांतरण, वो दिखाए गए। अब तक करीब 34 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनकी, और जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनकी, उनमें है वो 13 घर ये मेरा घर, और 10 प्रतिनिधि कहानियां, औरत एक रात है, पिया पीर न जानी, साथ ही साथ रहीमन धागा प्रेम का ये एक कथा संग्रह है। तो इस तरह से उनकी जो लेखनी है काफ़ी समृद्ध किया है उसने साहित्य जगत को। उनके चर्चित संग्रहों में कुछ और भी है नाम, जैसे मिलियन डॉलर नोट या पाषाण युग, मध्यांतर, समर्पण का सुख, मन न हुए 10-20, एक घर हो सपनों का, विश्वास गाथा, आखिरी शर्त, अंतिम संक्षेप, एक सार्थक दिन, शापित शैशव, ये सभी जो उनके संग्रह हैं ये उल्लेखनीय हैं। और उन्होंने जो बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा, बाल कथा संग्रह है जैसे उनका दादी की घड़ी, जीने की राह, परीक्षा और पुरस्कार, स्नेह के स्वर, ये जो बाल कथा साहित्य है उसमें ये काफ़ी लोकप्रिय है उनकी ये रचनाएं। इसके अलावा पटाक्षेप है, सहचारिणी, शोभा यात्रा,
राग विराग ये भी चर्चित है उपन्यास। और अगर उनके व्यंग्य की बात करें, व्यंग्य लेखन में भी उनकी कलम खूब चली। हार्ले स्ट्रीट और गीत संग्रह है उनका जी, मेरा छोटा सा अपनापन, ये बहुत चर्चित रहे। हिंदी साहित्य पर अमित छाप छोड़ने वाली मालती जोशी जी, मराठी में 11 से अधिक उनकी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कहानियों का देश और विदेश में अनुवाद भी हो चुका है। कई भाषाओं में उनकी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। 2018 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा साल 1984 में महाराष्ट्र शासन पुरस्कार, अक्षर आदित्य सम्मान, मधुवन गुरु वंदना सम्मान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के भवभूति अलंकरण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो भाई पुरस्कारों की तो लंबी फेहरिस्त है। इस बीच मालती जी जो स्वयं कहती हैं, वो बहुत खास बात है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके पाठकों की प्रतिक्रिया है, उनके पाठकों की संतुष्टि है। क्या बात है। तो कुछ पढ़ा जाए। हाँ, मतलब जनजीवन की कहानियों को जनमानस में संजोने वाली मालती जी ऐसे ही हमेशा लिखती रहें और स्वस्थ रहें, उनकी लेखनी ऐसे ही हमारे जीवन को समृद्ध करती रहे। और ये जो मैंने एक निकाली है कहानी, ये उनकी सती नामक कहानी है और उसका कुछ एक छोटा सा भाग हम पढ़ने वाले हैं जी। तो आकांक्षा, शुरू करती हूँ। बिल्कुल। पूरा आंगन ढोलक की थाप से गूंज रहा था। रोज की तरह मोहल्ले भर की औरतें जुड़ आई थीं और गीतों की कल्पना की लड़ियां पिरो रही थीं। कहीं बन्नों के बाबा से, ताऊ से जड़ाऊ कंगन बनवाने का आग्रह था, तो कहीं चाचा और फूफा को कलेक्टर दूल्हा ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। कहीं बन्नों की अम्मा अपनी बीए पास लाडली की घड़ी, सैंडल और साइकिल की तारीफ कर रही थी, तो किसी गीत में भाभी होने वाले नंदोइया को ताकीद कर रही थी कि जीप या कार लेकर आना, मेरी नकचड़ी ननद रानी टमटम या बैलगाड़ी में नहीं बैठेगी। औरतें झूम झूम कर गा रही थीं। कोई मंचली तो मौज में आकर ठुमका भी लगा देती थी। मस्ती का आलम पूरे जोर पर था। इन गीतों की नायिका को इस महफिल से कोई मतलब नहीं था। वो तो छज्जे पर अपनी सखी सहेलियों से घिरी मेहंदी लगवा रही थी। रचना और मेघना ने उसकी दोनों हथेलियां थाम रखी थी और वे उन पर महीन चित्रकारी कर रही थी। प्लास्टिक कोन से झड़ती हुई हरी कंच मेहंदी दुल्हन के हल्दी लगे हाथों पर बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या बात है नीलम, तेरा रंग तो इन 7-8 दिनों में और भी निखर आया है, रमा ने कहा। शादी की खुशी ऐसा ही रंग लाती है पगली, और तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा, गौरी ने रमा के चिकोटी काटी। अगले महीने की 26 को उसकी भी तो शादी है। शादी की खुशी तो खैर है ही नीलम भाभी थी, पर थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो दो। ये उपटन बनाया है कि बस। वाह, क्या उपटन बनाया है, पूरा बदन छील कर रख दिया है। बड़ी एहसान फरामोश हो। खैर, तुमसे तो यही उम्मीद थी। अपना इनाम तो मैं कुंवर जी से वसूल करूंगी, वो तो देखकर ही दंग रह जाएंगे। क्या ये वही नीलम है जिसे हम देख कर गए थे? ये दूरों से आई बारात का शोर जो है आज आजकल बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ भाई, शादियों का मौसम जो है। हाँ, तो भाई शादी ब्याह है ही ऐसा समय, ये जो गाना बजाना और जो बातचीत, उल्लास उमंग, हाँ छेड़छाड़ होती है, तो उल्लास और उमंग का एक नया अध्याय लिखने चलते हैं दो लोग और उनके साथ साथ घर वाले भी। और राजुल जी, ये एक ऐसा समय होता है जहाँ मतलब एक कह सकते हैं ना कि दो परिवार मिलते हैं और दो परिवार के जो कई सदस्य रहते हैं जो एक दूसरे से मतलब अजनबी होते हैं, इतना जान पहचान नहीं होती, इतनी जानने एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है दो परिवारों को। तो सिर्फ वधू और वर की ही नहीं बात है, बल्कि परिवारों की बात होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब ये बात होती है ना कि जब जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, तो वो कुछ खुशी के साथ, जिस खुशी से शुरू किया गया, जिस खुशी से पदार्पण किया गया उस नए चक्र में जीवन के, उसी खुशी के साथ उस अध्याय को लिखने की भी उमंग संजोई जाए। और वो जो खुशी है जो शुरुआत में थी वो आगे भी यूं ही बरकरार रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि रिश्तों में मधुरता लाएं। अब ये बात तो हम अक्सर कहते हैं कि रिश्तों में मधुरता लाएं। मधुरता लाने के लिए क्या किया जाए, ये बताओ आकांक्षा। हाँ, मधुरता लाने के लिए जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है धैर्य और साथ ही साथ दूसरों को समझना। भाई मान लो धैर्य ना हो बिल्कुल
तुरंत की तुरंत अगर हथेली पे सरसों जमाने का एकदम वो हो तो ये धैर्य कैसे धारण करें? धारण करना पड़ता है राजुल जी। अब ये तो मतलब सामने वाले व्यक्ति जब आपके लिए नया है तो जरूरी नहीं ना वो आपके बारे में सारी बातें जानता होगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए, सामने वाले को समझने का मौका दीजिए और आप भी इस समय का पुरजोर उपयोग करिए, सामने वाले को थोड़ा समझिए। मतलब समझने के लिए आप खुद भी मौका ढूंढिए और दूसरों को भी मौका दीजिए, ये ही धैर्य का मतलब है। ये धैर्य का मतलब नहीं है कि अगर कोई आपको जैसे तुरंत ही एक आवाज़ उठती है कि क्यों भाई कोई सुनाएगा तो क्या हम सुनते रहेंगे, नहीं नहीं ये बात नहीं हो रही है। धैर्य का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि आप वो मौके ढूंढिए जब दूसरे आपको समझ सकें और दूसरों को भी वो मौका दीजिए जब आपको समझ सकें। तो इस तरह की बातें अगर रहें, एक बात है कि जब किसी परिवार में जाते हैं तो ये तो देखा जाता है कि मम्मी जी ऐसी बातें करती हैं, चाहे वो बहू हो या दामाद हो, ये तो देखा जाता है कि मम्मी जी ने ऐसा कहा, पापा जी ने ऐसा कहा, भैया जी ऐसे बोलते हैं, दीदी जी ऐसी बोलती हैं, या मतलब कुछ भी जो भी आप पुकारते हो, तो इस तरह से जो घर के रिश्ते होते हैं उनका नाम लेके आप ये तो मान लेते हैं कि भाई ये बातें कहीं, लेकिन परिवार से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही खास बातें होती हैं जिनको जो बहुत महत्व रखती हैं। जैसे हर परिवार का कुछ ना कुछ एक इतिहास एक अतीत होता है जो गर्व करने की बात होती है, उन बातों को जानने की कोशिश कीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके सामने वो एकदम से ना आए, आप उस बात को समझते रहें। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करिए कि आप जिस नए परिवार से जुड़ रहे हैं, मतलब अक्सर ये देखा गया है कि एक वो रहता ना एक रुतबा दिखाने वाली बात कि भाई हम तो दामाद हैं तो जहां तक हो सके ये सारी चीजें ना करें, क्या जरूरत है। जिस तरह से आपका एक परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वैसे ही जो सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी एक परिवार, मतलब है। आपको तो भाई एक परिवार और मिल रहा है, तो एक समझ लीजिए कि फायदे का सौदा है ये तो बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके लिए एक बात ये है कि जो अपनापन पैदा होता है जी, अपनापन पैदा करने के लिए एक बात और है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, कोई फैसले ले रहे हैं, तो अपने उन फैसलों में उन घर के बड़ों की राय जरूर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो बात कोई बहुत बड़ी लंबी ऊंची चौड़ी बात हो, आप छोटी छोटी बातों के लिए भी अगर घर के बड़ों से पूछते हैं तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है कई बार कि हमको महत्व दिया जा रहा है। और राजुल जी, आपने जो ये अपनेपन की बात कही ना, ये भी दोनों कहते हैं ना दोनों पार्टियों पर लागू होता है, मतलब जो दोनों अलग अलग जो व्यक्ति हैं दोनों पर लागू होता है। अगर एक तरफ से अपनापन दिखाया जा रहा है तो सामने वाली का भी ये जिम्मेदारी बनती है उनके भी कि जो अपनापन उनको मिल रहा है उसी तरह से वो भी दूसरों को दें। और अपने बारे में सारी बातें खुद ही बताने से अच्छा है कि भाई मुझे तो सफाई बहुत पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी इस तरह से बोलना नहीं पसंद है, मैं हमेशा ना कुची करके चलती हूँ या चलता हूँ, तो ये बातें बताने से अच्छा है कि दूसरों को समझने दीजिए ना अपने को क्योंकि ये बातें बड़बोलेपन की निशानी भी हो सकती है, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा समय लीजिए, अपने आप को और सामने वाले को जज्ब होने दीजिए माहौल में। तो राजुल जी, उत्सव का माहौल रहता है जब शादियां होती हैं, खूब बाजे गाजे बजते हैं। अच्छा, इन शादियों में ये भी देखा गया है कि मतलब जो बाजा रहता है जब यानी जो संगीत का पक्ष रहता है वो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो ये तो होता ही है ना कि हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है संगीत के को लेकर, और वहाँ के बाजे भी अलग अलग होते हैं। लेकिन बहुत से हमारे जो भारत में जैसे है ना विविधता जी, जहाँ पे पानी बदलता है उसी के साथ बोली बदल जाती है, उसी के साथ संगीत भी का भी रंग जो है कुछ एक नया कलेवर ले लेता है। तो जो संगीत है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है, अवसरों के अनुकूल अलग अलग तरह के संगीत होते हैं। कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो आपको उछल कर एकदम नृत्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो आपको शांति से बैठ कर एकदम आत्मा के स्वरों में जगा देते हैं। बिल्कुल, और आज हम ऐसे ही जिस संगीत की बात कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, जब आप सुनने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब ईश्वर का संगीत है वो। मतलब सुनने में
आपके अंदर आत्मा तक उतर जाता है। हाँ, यूं लगता है कि जैसे शांति की बूंद बूंद बूंद, हाँ, बूंद आपके आत्मा के कटोरे में झर रही हो और आप बिल्कुल तृप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है राजुल जी, मैं उपमा नहीं दे पा रही थी लेकिन आपने काफी अच्छे शब्दों में वो बता दिया जो मैं कहना चाह रही थी। देखा, हमने आपके मन की बात समझ ली। भाई सखी सहेली का तो मतलब ही यही होता है ना कि मन की बात समझ ली जाए। अच्छा, जो संगीत की बात हम कर रहे हैं वो है कौन सा संगीत? बाउल संगीत या बाउल गान। मधुर संगीत है, उसमें भाव की पराकाष्ठा है, ये है बाउल गान की विशेषता। और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के लोक गायन का की एक शैली है और बहुत ही प्रचलित शैली है। और ये जो बाउल परंपरा है ये मूल रूप से इस पर जो छाप दिखती है वो भक्ति आंदोलन और सूफीवाद की छाप देख सकते हैं। इस परंपरा को रूढ़ीवादी भक्ति परंपरा से थोड़ा अलग कहा जाता है। वैसे अगर देखें इसका इतिहास देखें तो बाउल संगीत की जो शुरुआत है वो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के कहीं बीच में हुई है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये धारा जो थी, संगीत की जो ये धारा थी वो काफ़ी प्रचलित हुई और इसका प्रसार भी काफ़ी हुआ। अगर बाउल को हम ऐसे समझना चाहें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है बातुल या व्याकुल, जो कि ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए बाउल गायक को कहा जाता है कि वो बिल्कुल व्याकुल है ईश्वर से मिलने के लिए। और इसीलिए जो उनके स्वर होते हैं, जो व्याकुलता होती है उन स्वरों में, वो आत्मा को छूते हैं। और बाउल की एक ऐसी विचारधारा माना जाता है जिसका लक्ष्य है आध्यात्मिक मुक्ति। ये मुक्ति इंसान को कहीं और भटकने के बजाय खुद के अंदर ही प्राप्त होती है। बाउल लोकगीत में गुरु तत्व है, देह तत्व है और आत्म तत्व है। ये जो तीन तत्व हैं इस संगीत में, इन तीनों का समावेश है। बाउल परंपरा से जुड़े कलाकार सहजता से विश्वास रखते हैं, मतलब एकदम सरल, जीवन में कहीं कोई दुर्होता नहीं, एकदम सरल जीवन शैली और उतना ही सरल गान, लेकिन उस गान में जो उत्कट प्यास होती है ईश्वर से मिलने की। जे खोजे मानुष खोदा सही तो बाउल, ये पंक्ति कवि दूधू शाह के एक पद की है जिसका अर्थ है कि जो इंसान में ईश्वर की तलाश करे वही बाउल है। क्या बात है। आमतौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल के गायक चैतन्य महाप्रभु के जो पद हैं, लालोन शाही की जो रचनाएं हैं वो गाते हैं, तो बाउल गायन में एक तारा और डुग्गी या जो डुबकी, ये जो वाद्य यंत्र होते हैं, इनका विशेष रूप से प्रयोग होता है। क्या खास आवाज होती है इनकी, बिल्कुल अलग सा होता है ये संगीत। और मतलब जब हम सुनते हैं ना तो ये जो एक तारा है या जो डुग्गी है इसकी जो आवाज है वो कानों तक पहुंचती है। वैसे एक तारा तो हमारे श्रोता परिचित होंगे ही होंगे, बहुत सारे संतों को लिए हुए देखा होगा। मीराबाई एक तारा बजाकर ही अपने पद गाया करती थी। तो ये एक तरह का तत्ववाद्य है जिसका प्रयोग भारतीय संत कवियों द्वारा किया गया। ये नीचे से गोल होता है और ऊपर का हिस्सा बांस से बना होता है और इसमें जो तार होता है वो आगे की तरफ लगा होता है। और वो जो डुग्गी जो वाद्य है उसका प्रयोग ताल के लिए किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो इसकी संरचना होती है वो एक ड्रम की तरह होती है और इसे तबले की तरह बजाया जाता है, यानी उंगलियों और हथेली की सहायता से इसे बजाया जाता है। तो इन वाद्य यंत्रों के साथ बाल गायकों के जो मधुर स्वर हैं वो लोगों के मन में आनंद, आत्मिक आनंद का संचार करते हैं। बाउल संगीत के जरिए अपने विचार और विश्वास को लोगों तक पहुंचाने की परंपरा का निर्वाह करते हैं बाउल गायक। क्या बात है। बाउल संगीत वैसे काफी समय तक सीमाओं में बंधा रहा लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इसकी बड़ी पहचान दिलाई। गुरुदेव की जो कविताएं हैं उन पर बाउल परंपरा का गहरा प्रभाव रहा है। और इसीलिए जो गुरुदेव की रचनाएं हैं उनमें कैसी आत्मा और परमात्मा के बीच की जो एक संवाद, जो हम आत्मिक शांति की बात कर रहे थे वो है। बाउल संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाने में एक और कलाकार हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका नाम है पूर्णचंद्र दास। उनके पिता प्रसिद्ध बाउल गायक थे और गुरुदेव के मित्र थे। उन्हीं की प्रेरणा से 1942 में पहली बार पूर्णचंद्र दास ने बंगाल से बाहर बाउल गायन किया। जयपुर में था जी कार्यक्रम और वहां पर
पहली बार लोगों को पता लगा कि ऐसा कोई गायन भी है, बंगाल का ऐसा पारंपरिक लोक गायन ऐसा भी है, तब पहली बार लोगों ने जाना। और ये उन्हीं का प्रयास था कि बाउल संगीत जो है वो देश के बाहर पहुंचा और रूस में विश्व युवा महोत्सव में पहली बार दुनिया को पता लगा कि बाउल का जो मीठा संगीत होता है वो किस तरह आत्मा तक पहुंचता है। दुनिया के अनेक मशहूर कलाकारों की अगर हम बात करें तो वो बाउल संगीत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सीखा भी बाउल संगीत जी। पूर्णचंद्र दास, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बाउल सम्राट सम्मान से सम्मानित किया गया, वो आजीवन बाउल संगीत के प्रसार में लगे रहे और आज भी बाउल संगीत सीखने वाले इसे और इसे सुनने वाले भी इसके गीतों की मधुरता में परम आनंद प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा पद है लालन का जो अनुवादित है जी, इसको पढ़ रही हूँ। कैसे जाती है अनजान चिड़िया पिंजरे में और फिर बाहर, कैसे जाती है अनजान चिड़िया पिंजरे में और फिर बाहर, क्या मैं इसे पकड़ सकता था? मैं अपने दिल की बेड़ियों को उसके पैरों के चारों ओर रख देता। पिंजरे में 8 कमरे और 9 बंद दरवाजे हैं, समय समय पर आग लगती रहती है, ऊपर एक मुख्य कमरा है, दर्पण कक्ष। क्या बात है, तो कैसी आध्यात्मिक रचना है, शरीर का जो अंतर का जो पूरा आपका शरीर है, आंतरिक शरीर, उसकी पूरी बात कर दी है और उसमें कैसे ईश्वर का नाम गूंजता है। और सोचिए इस गीत को, इस पद को जब गायक ने संगीत के साथ गाया होगा तो क्या क्या नज़ारा, क्या समा रहा होगा। हम आज भी बाउल गान जब भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप जरा संदेशों की कहा चल लिया जाए। बिल्कुल लिया जाए। हमारे एक साथी ने आज लिखा है कि आज सर्दियों की हल्की ठिठुरन के साथ बहुत ही सुंदर बातचीत बहुत सुंदर लग रही है। हमारे उत्तराखंड में बारिश हो रही है, ठंडक बढ़ चुकी है। बिल्कुल बढ़ चुकी है। और जो हम बात कर रहे थे ना राजू जी, झगड़े और सुलह की, तो एक श्रोता लिखती हैं कि किसी संघर्ष या झगड़े में शामिल होना न केवल चोट और तनाव के जोखिम के कारण महंगा हो सकता है, बल्कि इसलिए भी कि यह दोस्तों के बीच जो अनमोल सामाजिक संबंध है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ दोस्ती में ही नहीं, पति पत्नी के बीच भी बहस करने के बाद तुरंत एक दूसरे के साथ सुलह कर लेना अच्छा है, लेकिन एक बहस को झगड़े में न बदलने देना बेहतर है। तो कहते हैं ना कि पति पत्नियों के झगड़े जल्द ही मिट जाते हैं, लेकिन ये पुराने समय की बात है। आजकल का जो दौर है उसमें देखें तो तलाक की जो दर है बेहद बढ़ रही है। तो भाई ये कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच जो ताना बाना, जो तापमान जो बढ़ता है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हमारी एक साथी ने इस बारे में बड़ी समझदारियों की बातें लिखी हैं। लिखती हैं कि हर रिश्ते को अपने हिस्से का उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। कभी कभी सामने वाले की मजबूरियों को हम समझ नहीं पाते, ऐसी स्थिति में समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। सोचेंगे गहराई से तो मोहब्बत यदि सच्ची है तो झुककर भी हम जीत सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। आगे लिखती हैं कि हम तो सॉन्ग्स भी गाते हैं, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, और ये भी कह देते हैं बात बात पे रूठो मना। सुलह करने के कुछ नियम हमने बना रखे हैं, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए व्यंजन बनाकर खिलाइए। क्या बात है। हाँ, और एक दूसरे से खुलकर बातें करें, बोलचाल जारी रखें, पसंद के गीत और ग्रीटिंग कार्ड फ्लावर्स का भी सहारा लें, दिमाग में सकारात्मकता रखेंगे और माफी भी मांगी जा सकती है। मांगी जा सकती है। तो भाई अपने अपने तरह से सभी लोग नियम बनाते हैं कि झगड़ा हो तो फिर उस झगड़े के बीच में क्या किया जाए। पहली बात तो ये है कि झगड़े की नौबत ही ना आए, कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन कहते हैं ना आकांक्षा कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं, 4 क्या 2 बर्तन भी होंगे तो आपस में टकराएंगे और आवाज आएगी। बिल्कुल। लेकिन राजुल जी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्ती हो, माता पिता हो या परिवार के अन्य सदस्य हो,
आपसी जो रिश्ते होते हैं वो बड़ी ही नाजुक और कच्ची डोर से बंधे होते हैं। मतलब एक हल्का सा झटका लगा और धागा टूट गया, जो प्रेम का जो धागा रहता है वो टूट गया और रिश्ते लगे बिखरने। तो भाई ये धागा ना टूटे, रिश्ते ना बिखरे, इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से अनाबनी हो गई है, तनातनी हो गई है, तो वो तो मुँह फुला के चल दिए और आप भी दूसरी ओर चल दिए मुँह फुला के। भाई सिर्फ थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा मनाइए, तो कहीं ना कहीं ये जो झगड़ा है उसका बीच का रास्ता तो निकल ही आएगा। और मान लीजिए कि किसी बात पर बुरा भी लगा है, तो उस जो बात बुरी लगी है उसको कहने का भी ढंग होता है। बिल्कुल, मतलब ढंग होता सीधे है। सीधे आप कह देंगे कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुमने ऐसा कहा, तो लगेगा आक्षेप लगा रहे हैं और तब झगड़ा बढ़ सकता है। देखो भाई, ऐसे ही हंसी की खिलखिलाहटें गूंजने लगती है अगर थोड़ी समझदारी की जाए। वैसे देखो झगड़ा जो होता है ना आकांक्षा, तो किसी बात पे आप हाँ बोलिए या किसी बात पे ना बोलिए। बिल्कुल, तो अगर सामने वाला ना कह रहा है आपकी हाँ को, तो यह सहमति के कारण हो सकता है झगड़ा। अब झगड़े के भी कई रूप हो सकते हैं। अच्छी खासी बिल्कुल गर्मा गर्म बातचीत हो सकती है, या मुंह फुला के बैठना चुप्पी। हाँ, और कभी कभी तो ये भी होता है राजुल जी कि बात किसी छोटी सी चीज से शुरू होती है और वो कहीं से शुरू हो के पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। मतलब जो मूल जो उसमें बात रहती है ना झगड़े के पीछे, हाँ, जड़ पीछे रह जाती है और पेड़ पता नहीं कितना बड़ा हो के कहाँ कहाँ होता ही नहीं है, कहीं ख्याली पेड़ बन जाता है। सही बात है। एक बात तो ये है कि झगड़ा कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। कहा जाता है कि थोड़ा रिश्तों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत बहस भी जरूरी है। भाई हर बात पे हाँ यस सर वाली बात नहीं होनी चाहिए, यस मैम यस सर वाली बात तो नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ालू स्वभाव है ना, मतलब अगर किसी को आदत ही है झगड़ा करने की, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर किसी बात पर आपके विचार किसी दूसरे से मेल ना खाए, तो अपनी बात रखिए। अपनी बात रखना भी बुरा नहीं है। बिल्कुल। फिर अगर ऐसे में बातचीत से सामान्य से थोड़ा गर्मा गर्मी के सुर तक पहुंच जाए, तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रख लिया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद इतनी परेशानी ना हो। जैसे कि आप अगर झगड़ा कर रहे हैं तो किसी का झगड़ा करते हुए अपमान ना करें। अक्सर ऐसा होता है ना कि तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसी हो, या तुम्हारे घर के लोग, या अगर भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है कि अच्छा पता है कितना तुमने कितना पढ़ाई की है, या कुछ इस तरह की बातें ना करें जो दूसरे के दिल को लग जाए। बिल्कुल, मतलब झगड़ा करते समय भी अपनी जो एक मर्यादा है उसे बरकरार रखना है, अपना जो दिल का सम्मान का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि अपना दिल का जो अंदर जो बैठा हुआ है वो सारा निकालते हुए, अपने दिल का गुबार निकालते हुए आप अपना आपा ही खो दें। फिर झगड़ा जिस बात पर है उसी पर कायम रहे। मतलब ये ना हो कि अच्छा चार दिन पहले भी तुमने यही किया था, आज भी यही किया। और ये तो अक्सर आदत होती है कि कई बार देखा गया है जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं, तो जो जिस बात पर अभी झगड़ा हो रहा है उसके साथ साथ पिछली कई सालों की पुरानी बातें भी आ जाती है। हाँ, बीच में कि इसी तरह की वो मिलती जुलती कई बार बातें होती नहीं है, इसी तरह से तुमने उस दिन भी किया था। तो ऐसे भाई इस तरह से तो झगड़े को बढ़ावा मिलता है। फिर झगड़े के बीच भी संबंधों में जो स्नेह है उसको याद दिलाते रहना। जैसे अगर मान लो कि छोटे और बड़े में झगड़ा हो रहा हो, तो ये कहा जा सकता है कि वो छोटा है वो कह सकता है ये बार बार कि हालांकि आप मुझसे बड़े हैं लेकिन ये बात तो गलत है। इस तरह से अगर वो कहे और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, या कोई दो मित्र हैं वो कह सकते हैं कि हालांकि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो लेकिन और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी। हाँ। या आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो मतलब एक अपनी जो बात है वो कहने का भी एक तरीका होना चाहिए। होता है। फिर अगर झगड़ा बढ़ जाए तो थोड़ी देर के लिए भाई हार स्वीकार कर लीजिए, चुप हो जाइए। मतलब ये नहीं कि आपने एक सुनाई तो हम जब तक छह नहीं सुना देंगे तब तक चुप नहीं रहेंगे। अब ये तो समझदारी वाली बात होती है कि जब ये देखा जाए कि भाई मामला तो ज़्यादा ही गर्माता जा रहा है, जो परिस्थिति है हाथ से खिसकती जा रही है, इसको संभालना मुश्किल है, तो आप बैक ऑफ कर जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, झगड़े को वहीं खत्म कर दीजिए। हाँ, खत्म कर दीजिए, लेकिन झूठ मूठ पे सुलह का दिखावा ना करिए। क्योंकि जब झूठ मूठ में आप सुलह का दिखावा करते हैं कि भाई अभी ये हाथ से बाहर निकली जा रही, तो अरे चलो मान जाओ ऐसे, ये क्योंकि उस समय आपके मन में अभी भी कहीं पर वो फांस है, और वो फांस जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप जो सामान्य बात को लेकर चलते रहेंगे, सामान्य नहीं हो पाएंगे, और फिर
कभी भी झगड़ा तेजी से भड़क सकता है। हाँ, और ये भी ना करें कि कोई मामला है तो उसको सुलझाने की आपको बड़ी जल्दबाजी है, जैसे कि आपने कहा कि भाई चलो झगड़ा बढ़ता जा रहा है, निपटा दो जल्दी जल्दी, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, मतलब बात ही नहीं करो। मतलब एक कहते हैं ना, कोई निर्णय ना लेकर उसका कोई ये उपाय ना निकाल कर बस उसको हटा देना किसी तरह, खत्म कर देना, ये ना करें। फिर झगड़ा कैसे शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया, इस बात पे बहुत नजर रहती है कि तुम्हें ना शुरू किया। और कभी कभी तो इस बात पर जो झगड़ा है वो एक और दूसरे झगड़े का रूप ले लेता है। तो भाई ये सब ना करें, अच्छे अच्छे गीत सुनते रहें, मीठी मीठी बातें करते रहें। तो थोड़ा सा मान मनुहार से, थोड़ा प्यार दुलार से, थोड़ा स्नेह का हवाला देकर झगड़े को कहीं ना कहीं पर खत्म कर देना अच्छा है। बिल्कुल अच्छा होता है कि क्योंकि झगड़ा जितनी जल्दी खत्म हो जाए, आपसे आपस में सुलह हो जाए, उतनी जितनी जल्दी ये हो उतना अच्छा, क्योंकि ऐसा ना हो कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना भयानक रूप ले ले कि जो आपके अपने हैं वो आपसे दूर हो जाएं और फिर मनाने पर भी वापस नहीं आएंगे। तो देखो आकांक्षा, हम कितनी देर से घड़ी को मना रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलो भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलो, लेकिन घड़ी मान नहीं रही है। अब भाई समय को कोई रोक पाया है? हाँ वो भी बात है। तो चलो फिर अब विदा लेते हैं सभी सखियों को, राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।